हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको मोनाको बिस्किट्स से पूरी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। मोनाको बिस्किट से पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैकेट मोनाको बिस्किट्स, एक उबला और मैश किया हुआ आलू, सेब, चीज़ का स्लाइस, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, टोमेटो केचप और चाट मसाला। मोनाको सेब पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बोल में डालेंगे उबले हुए आलू, थोड़ा सा नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि टोमेटो केचप और चाट मसाले में भी नमक होता है। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच टोमेटो केचप और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तैयार फिलिंग को बिस्किट्स के ऊपर लगाएंगे। इसके लिए हम लेंगे एक बिस्किट और इसके ऊपर या आलू की फिलिंग को इस तरह से फैला देंगे अच्छे से, और इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरा बिस्किट, और इसी तरह से हम और बिस्किट भी तैयार कर लेंगे। बिस्किट्स में हमने आलू की फिलिंग लगा ली है। अब इन बिस्किट्स के साइडों पर हम लगाएंगे थोड़ी थोड़ी टोमेटो केचप इस तरह से, और इसे हम सेब के अंदर इस तरह से रोल करेंगे ताकि सेब बिस्किट्स पे चिपक जाएं। ये देखिए, और इसी तरह से हम बाकी के बिस्किट्स को भी तैयार कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी केचप ही लगानी है ताकि सेब चिपक जाए। ये देखिए, इतने अच्छे से सेब चिपक गए हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के बिस्किट भी तैयार कर लेंगे। अब इन बिस्किट्स के ऊपर रख देंगे चीज़ का छोटा छोटा स्लाइस इस तरह से, सभी बिस्किट्स के ऊपर चीज़ के छोटे छोटे स्लाइसेस रख दिए हैं। अब सारे स्लाइसेस के ऊपर एक एक ड्रॉप टोमेटो केचप डालेंगे इस तरह से। मोनाको बिस्किट से पूरी बनकर तैयार है। अब सर्व करने के लिए इसकी प्लेटिंग करेंगे। मोनाको बिस्किट से पूरी को सर्व करने के लिए एक प्लेट में लगा दिया है। ये मैंने बच्चों के लिए बनाई है, इसलिए इसमें मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मसालों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बच्चों का मनपसंद स्नैक है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।